हेलो जी, दिल्ली वाले पहुंच गए हैं इंदौर। और आपको तो पता है, हमारे वीडियोस आप देखते रहते हो कि मटन और मुर्गा तो हमारे चैनल पे धड़ाधड़ पोस्ट होता रहता है। अब इंदौर आए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इंदौर आते हैं, लेकिन जितने लोगों को मैं जानता हूँ किसी ने यहाँ का नॉनवेज यार कवर किया ही नहीं। और यहाँ का पता लगा है बहुत ही शानदार नॉनवेज मिलता है। मच्छी लाए हैं, मटन लाए हैं, चिकन लाए हैं, कहाँ से, चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो मेरे पीछे है कपूर रेस्टोरेंट, आपके सामने देखिए कैमरे में हम दिखाएंगे। ये एक छोटा सा ढाबा स्टाइल आउटलेट है, बाहर टेबल लगे हैं जहाँ पे आप खड़े होकर अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। शाम का समय हो गया है और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। और चलिए दिखाते हैं इनका फूड मेन्यू यहाँ पर क्या क्या है। बहुत बड़ा मेन्यू नहीं है, लिमिटेड मेन्यू है, दिखाते हैं, आइए। तो लीजिए मटन 980 रुपये का किलो यहाँ पे पका के मिल रहा है, और आपकी मर्जी है, 150 ग्राम से यहाँ पे शुरू हो जाता है, आप अपना सर्व करवा सकते हैं। मटन है, कीमा कलेजी है, फिश फ्राई, फिश करी, चिकन मसाला, चावल, चावल ग्रेवी, रोटी और पाया सूप भी है। पाया सूप मन बड़ा है लेकिन गर्मी का सीज़न है, पाया भाई सर्दियों में कभी आएंगे तो पक्का ट्राई करेंगे। अभी हम फिश खाने वाले हैं, मटन और चिकन। तो ये हैं राज कपूर जी, जो इस आउटलेट के मेन कर्ता धरता है, इनके बड़े बेटे पंकज जी, और यहाँ पर इनके छोटे बेटे दीपक जी, जिनसे हम बात करते हैं। दीपक जी जी, हम इंदौर आ रहे थे, हमने लोगों से पूछा नॉन वेज कहाँ खाया जाए, एक नाम बड़ा उठ के आया, वो था आपका कपूर। थैंक यू सो मच। कितना टाइम हो गया, क्या प्यार बांट रहे हो इतने फेमस हो? सर मुझे ऑलमोस्ट 40 इयर्स प्लस हो गए। अच्छा। 82 से हम लोगों का बिजनेस है, जो कि मेरे फादर ने स्टार्ट करा था। वाह। और टाइमिंग क्या रहते हैं? टाइमिंग 1 बजे स्टार्ट हो जाता है और लास्ट टाइम हमारा 10:30 बजे का है। 10:30 बजे तक रहता है। मेन्यू मैंने देखा बड़ा लिमिटेड है, बड़ा सही मेन्यू है, ज्यादा लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और क्या जोमेटो स्विगी पे भी है लोग? नहीं, सब मैंने बंद कर रखा है, कोई जोमेटो स्विगी नहीं है। किसी को खाना है तो यहाँ आकर खा सकता है। गाड़ियों में सर्व कर देते हो? बिल्कुल, गाड़ी में सर्व। गाड़ी में सब। और किसी दिन कोई छुट्टी भी करते हो? वीकली ट्यूजडे ऑफ रहता है। ट्यूजडे ऑफ रहता है। और एक चीज और पूछता हूँ, आज कल कुछ लोग बता देते हैं कैमरा पे कुछ नहीं, झटका कर रहे हैं या हलाल सर्व? प्योर झटके का है सर, आप देख सकते हैं, पंजाबी है बेसिकली हम लोग, खत्री। हाँ। जैसे मैंने बताया कपूर, दीपक कपूर नाम है मेरा। हाँ। तो पंजाबी हम लोग, तो हम तो सिर्फ झटके का ही, झटके का सर्व जी। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने। थैंक यू। और देखिए यहाँ पे बढ़िया से तवा फुलका, देखिए फुले फुले फुलके यहाँ तैयार होते हुए, ये गया जी। ओह, तो सही बात है, मीट का मजा इस ऐसे ही फुलकों के साथ है। वाह भैया। तो लीजिए हमारे लिए निकलता हुआ ये मटन के पीसेस, नल्ली और चांप का पीस हमने बोला है, लगा दो जी बढ़िया से। नल्ली आ गई जी, चांप आ गई। आहा। और ये यहाँ पे मटन तैयार रहता है, क्या खासियत रहती है सर? सर सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे कि मेरे यहाँ रेडी टू ईट है। नॉर्मली होता है कि नॉनवेज को बॉईल करके रख लिया जाता है और ग्रेवी बनी हुई रहती है, लेकिन हम लोग कच्चा जब तक खाने लायक ना हो जाए, और प्योर तांबे के उसमें हम बनाते हैं इसके, और जब तक खाने लायक ना हो जाए तब तक ये बनता रहता है। इसको 3 से 4 घंटे लगते हैं बनाने में। 3 से 4 घंटे कोई भी फूड है, चाहे वो चिकन हो या मीट हो, वो कभी भी उसको हम बॉईल नहीं करते हैं। तो ये रेडी इस तरीके से रहता है, हम बॉईल करके नहीं रखते हैं। मेरे यहाँ कोई स्टोरेज की भी जगह नहीं है, जो है बस यही 8 बजे 7 बजे 9 बजे ख़त्म हो गया, उसका फिनिश। सेकेंड टाइम कोई भी फूड नहीं बनता हमारा, तो आप जब भी मिलेगा आपको फ्रेश ही मिलेगा। तो लीजिए यहाँ पे ये हमारे लिए मटन को अच्छे से गरम करके सर्व करने से पहले बस यहाँ पे गरम किया जाता है, और ये स्टील की प्लेटों में सज जाएगी हमारी मटन की 2 लाजवाब पीस। और ये देखिए बहुत प्यारी ग्रेवी की महक, बड़ी प्यारी है, और देसी ग्रेवी, जी हाँ, जिसको मज़ा आ जाए, खुशबू बिल्कुल वैसी है। और ये हो गई हमारी तैयार, और अब हमारे लिए मुर्गा लगते हुए, तो यहाँ जो शेफ़ है उनसे पूछते हैं
और जो ओनर है पंकज जी, पंकज जी ग्रेवी चिकन और मटन की सेम रहती है अलग रहती है? अलग रहती है, थोड़ी सी अलग रहती है, ठीक रहती है कि मटन की आप देखेंगे और चिकन की थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। तो लीजिए हमारे लिए मटन चिकन और फिश पकोड़ा तैयार है, चलिए टेबल पे चलते हैं और वहाँ करेंगे इसको एंजॉय। तो देखिए ढूंढ के लाए ना आपके लिए देसी मटन चिकन ढाबा स्टाइल, वो भी कहाँ इंदौर में। कैमरा क्लोज लाइए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये देखिए, अभी आपको दिखाया कि ये बना बनाया होता है, बस गर्म करके सर्व कर दिया जाता है। और ये देखिए ये है इनका मटन और ये है फिश। तो सबसे पहले फिश से शुरुआत करते हैं, तो ये है फिश, यहाँ की रिवर फिश सिलन, जिसको ये कहा गया है कि ये सिंघाड़ा जैसी होती है, जो नॉर्थ इंडिया में मिलती है वैसी होती है। ये देखिए ट्राई करते हैं, चटनी प्याज के साथ, ज़रा सा निचोड़ते हैं नींबू। Cheers. जैसी जुबान पे जाता है, जो इनकी मैरिनेशन है, इन्होंने अपने साइन बोर्ड पे लिखा है दिल्ली वाले, फ्लेवर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दिल्ली में मैरिनेट करके फ्राई करके मच्छी मिलती है, बिल्कुल वैसी है। अच्छी लगी मुझे, बढ़िया है। तो ये देखिए मटन, ऐसा शानदार, और ग्रेवी देखिए रस्टिक, मजेदार। इसकी ग्रेवी ऐसी है कि आप चावलों के साथ भी खाएं तब भी बहुत मज़ेदार लगेगी। खाने में पता लग रहा है टमाटर प्याज की जैसी ग्रेवी होती है, ओल्ड स्कूल स्टाइल, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेवी के साथ पंगा नहीं ले गया, बड़ा ही ढाबे वाली फील आ रही है। और ग्रेवी की खुशबू इतनी प्यारी है, महक इतनी प्यारी है, आप इसको चाहे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए और मज़ा आ जाएगा। और पीस देखिए कितने बढ़िया से पके हुए हैं, इतना बढ़िया तरीके से इसको पकाया गया है, मसाले तेज नहीं हैं लेकिन मसाले कम भी नहीं हैं, पूरी ढाबा स्टाइल फील ऐसा मटन है, मज़ा आ गया। और ये देखिए क्या शानदार, कितनी खूबसूरत ये प्लेट सजी है दो लेग पीस से। जैसे कि मैंने पूछा था कि दोनों की ग्रेवी सेम रहती है अलग रहती है, तो ये कह रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, देखें खा के देखते हैं। देखिए कितना नाजुक सा लेग पीस था, जुबान पे रखा पिघल गया, इतने अच्छे से पका हुआ है, मुंह में रखते ही घुलने वाला। और ग्रेवी मुझे ऑलमोस्ट सेम लगी, और जो मटन का है, मटन का ये होता है कि मटन अपना जूस छोड़ता है, उसकी जो जितना भी टेस्ट में फ़र्क आ रहा है वो तो उसकी वजह से है कि वो मटन का जो जूस में तैयार हो रहा है उसकी वजह से है। ऑलमोस्ट ग्रेवी दोनों की सेम है, तो कुछ लोग हैं जो मटन नहीं खाते तो वो यहाँ आके चिकन इन्जॉय करें, और मटन चिकन दोनों के लिए मेरी तरफ से थम्स अप। तो ये था इंदौर का खजाना नॉन वेज। इंदौर के और भी ढेर सारे वीडियोस आएंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने इंदौर आने जाने वाले यारों दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी पता लगे कहाँ पर मिलता है लाजवाब मटन और चिकन। और वेज वीडियोज़ भी आएंगे इंदौर से, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।